हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से मैं आप सभी रियलमी 6 यूजर्स के लिए जो है एक नई अपडेट की वीडियो जो है लेकर आ चुका हूं। तो जैसे कि गाइस आप सभी को बताया कि मेरी जो रिसेंट वीडियो है रियलमी 6 की अपडेट को लेकर, वहां पे मैंने आप सभी रियलमी 6 यूजर्स को बताया था कि आपको जो नेक्स्ट अपडेट है वो जो है जनवरी के मंथ में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फाइनली जो है जनवरी का एंड होने वाला है, आज 28 जनवरी हो चुकी है। तो फाइनली रियलमी ने जो है अब सभी रियलमी 6 यूजर्स के लिए जो है न्यू अपडेट जो है रोल आउट कर दिए। तो गाइस जो अपडेट है इसका वर्जन है C.17। तो आज की जो वीडियो, इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है रियलमी 6 की जो न्यू अपडेटेड C.17, इस अपडेट के बारे में आप सभी को जो पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि जो C.17 है इसमें आपको जो क्या कुछ नए फीचर्स जो देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ में इस अपडेट की जो साइज कितनी होने वाली है, और साथ में आपको जो अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आप जो है वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। एंड देन जैसे ही सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाती है, उसके बाद में आपको इसे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको जो अपने डिवाइस की सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक कर देना है यहाँ से। एंड देन आपको जो अपडेट चेक कर लेना है। तो अगर आपको वहाँ पे जो न्यू अपडेट देखने को मिल जाती है, यानी C.17 की अपडेट आपको मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अपडेट नहीं भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको जो मैनुअल अपडेट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के फीचर्स के बारे में। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से जो सबसे पहले रियलमी कम्युनिटी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से जो फटाफट से रियलमी 6 डिवाइस को जो ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 2022 अपडेट फॉर रियलमी 6। चलिए मैं इस पोस्ट को यहाँ से जो ओपन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी 6 OTA चेंज लॉग जनवरी 2022। तो चलिए मैं इसे यहाँ से जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ पर फाइनली नीचे आप देख सकते हैं UI वर्जन RMX 2001_11.C.17, शॉर्ट में बोले तो C.17 की अपडेट है ये। तो चलिए गाइस अब मैं आपको जो अपडेट के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में इंटीग्रेट द जनवरी 2022 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पे गाइस आपको जो रियलमी जनवरी 2022 का न्यू सिक्योरिटी पैच आपको जो प्रोवाइड करवा देगी। इसी के साथ में बात करते हैं सिस्टम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इस अपडेट में आपका जो डिवाइस है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है और परफॉर्मेंस में भी सुधार किया गया है। और फाइनली बात करते हैं लास्ट चेंज की एप्स वगैरह की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्स में क्या कुछ चेंजेस इन्होंने किया है। फिक्सेस एन इश्यू वेयर इमेजेस कुड नॉट बी लोडेड ओकेजनली इन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स कभी कभी जो रियलमी 6 में ये जो दिक्कत जो देखने को मिलती थी कि जब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते थे तो वहाँ पे जो इमेजेस लोड नहीं होती थी, तो ये प्रॉब्लम जो हमेशा नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम जो रियलमी 6 में जो देखने को मिलती थी। तो इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर रियलमी ने जो है C.17 की अपडेट में जो एकदम फिक्स कर दिया है। तो गाइज ये तो बात हो चुकी है अपडेट के फीचर्स को लेकर। तो चलिए बात करते हैं अपडेट की OTA साइज को लेकर। तो फाइनली गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरे को अभी अपडेट की OTA साइज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि मेरे को ये जो अपडेट है देखने को नहीं मिली है। अगर आप में से किसी यूज़र को ये जो अपडेट है देखने को मिल चुकी है तो प्लीज़ कमेंट में OTA साइज इसकी ज़रूर से मेंशन कर देना। तो गाइज बात करते हैं कि ये जो अपडेट है ये सभी यूज़र्स को जो कब तक देखने को मिल जाएगी। तो गाइज इस अपडेट को अभी रोल आउट हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, और ये आपको जो फरवरी के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी, यानी अभी 7-8 दिन में आपको अपडेट जो देखने को मिल जाएगी। फाइनली बात करते हैं अपडेट आपको इतना लेट क्यों देखने को मिल रही है। तो नीचे आप इनका नोट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वंस अगेन दिस इज ए फर्स्ट रोल आउट एंड विल बी अवेलेबल टू ऑल यूजर्स वेरी सून, काइंडली बी पेशेंट एंड वेट फॉर द अपडेट ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है इन्होंने रोल आउट की है, ये अपडेट जो फेस में रोल आउट कर रहे हैं, यानी कुछ यूजर्स को जो अपडेट दे रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं कि उनको अपडेट में कुछ बग्स जो देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो जैसे ही अपडेट में कुछ बग्स अगर होते हैं तो कंपनी उनको फिक्स करेगी, एंड देन उसके बाद में ये जो अपडेट है ये सभी यूजर्स को जो प्रोवाइड करवा देगी। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये जो अपडेट है ये सभी यूजर्स को जो देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो फाइनली अभी तक रियलमी ने इसकी जो मैनुअली फाइल जो है अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ में आपका रियलमी 6 या फिर रियलमी की किसी भी डिवाइस को लेकर कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन है तो आप हमको जो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।